हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं सारे फूडीज? तो त्यौहार आने वाले हैं तो एक नई रेसिपी लेकर आई हूं जो कि आप अपने मेहमानों और परिवार को बना कर खिला सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाले मखमली कोफ्ते की रेसिपी। हाँ जी, मखमली कोफ्ते की रेसिपी। लौकी जो ज़्यादातर घर में किसी को पसंद नहीं आती, बच्चे तो लौकी का मुँह देखते ही मुँह टेढ़ा कर देते हैं, पर ये लौकी के कोफ्ते वो भी मांग मांग कर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 ग्राम ये लौकी ली है, एक पीस लौकी का है और छोटा पीस ही लिया है। इसको घिस लेंगे मीडियम वाले ग्रेटर से। बहुत ही टेस्टी बनेगी बिना काजू के, बिना कोई स्पेशल इन्ग्रीडियंट के, बिना मलाई के गाढ़ी ग्रेवी वाली कोफ्ते की रेसिपी। तो चलिए, हमने सारी लौकी घिस ली है मीडियम ग्रेटर से और इसमें से हमें पानी बहुत अच्छे से निकालना है। पानी बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर देना है, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें कोफ्ते फ्राई करने में बड़ी दिक्कत आएगी। अच्छे से इसमें से पानी निकाल लेंगे इस तरीके से, थोड़े सा दम लगाइएगा और सारा पानी निकालना है ऐसे। तो करते करते सारी लौकी में से हम एक्स्ट्रा पानी निकाल के हटा लेंगे। ये जो पानी है ये हम संभाल के रखेंगे, आगे हमें रेसिपी में काम आएगा, इसको हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। देखिए, इसको अब हम चेक भी कर लेते हैं। घिसी हुई लौकी अब हमारी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। आइए अब इसके कोफ्ते में हम अपनी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर रहे हैं, बारीक मिर्च ऐड कर रहे हैं, साथ ही अदरक ऐड कर रहे हैं और यहाँ 5 से 6 चम्मच बेसन ऐड कर रहे हैं। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो सारा फ्लेवर बेसन का आएगा। कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं और थोड़ा फ्लेवर के लिए किचन किंग मसाला ऐड कर रहे हैं और हमारे हाजमे के लिए अजवाइन ऐसे क्रश करके हाथ से ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बूंद पानी इसमें हमने नहीं ऐड करना और अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। देख लीजिएगा कोई बेसन की गांठें ना रह जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाए सारा। अब इस पॉइंट पे हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ सेंधा नमक है, आप स्वाद के अनुसार नमक ऐड करिएगा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही कढ़ाई गैस पे अपनी कढ़ाई चढ़ा लेंगे जिसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें ऑयल रखना है। सारे हमने अब कोफ्ते के बॉल्स बना लेने हैं। बहुत कोई राउंड शेप, कोई इतना स्पेसिफिक नहीं है, हाथ से ही देखिए इस तरह से हमने बॉल बना लेनी है। ऐसे करके सारी बॉल्स हम बना लेंगे कोफ्ते की अपनी। चलिए आइए इसे फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही गैस रखिएगा, मीडियम टू सिम ही करनी है, फुल नहीं करनी, इसको अंदर से पकाना है। और कोफ्ते अभी ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है जब तक एक लेयर ना आ जाए नीचे इसमें, नहीं तो कोफ्ते फट सकते हैं। और स्पेस रखिएगा ताकि कोफ्तों को मूव कर सकें, इधर उधर हिला सकें। देखिए लेयर आ जाएगी, उसके बाद हमने इसको मिक्स किया है। मीडियम टू सिम ही गैस रखनी है। इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल हम इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है कोफ्तों का एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के, हम ऐसे निकाल लेंगे इनको। दूसरा सेट भी चढ़ा लेते हैं। स्पेसिंग देखिएगा, जगह छोड़ी है काफ़ी। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमको ये एक सेट कोफ्ते की बॉल्स को फ्राई करने में। सेम और मीडियम के बीच में ही गैस रखनी है। जब लेयर आ जाएगी कोफ्ते के ऊपर तभी हमें उसे मूव करना है। इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए सारे कोफ्ते फ्राई होकर रेडी हैं और देखने में कितने यमी लग रहे हैं, क्या तो कलर आया है। आइए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। कढ़ाई लेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे। जीरा चटक जाने के बाद 2 तेज पत्ते, दालचीनी और 2 छोटी इलायची और 2 लौंग। खड़े मसाले ऐड करें, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हींग ऐड करेंगे थोड़ी। मीडियम फ्लेम पे ही गैस रखेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा पका लेंगे। अब साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे ग्रेट कर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम प्याज ऐड करेंगे जो कि रफली चॉप की है,
3 मीडियम प्याज हैं जिन्हें रफली चॉप कर लिया है, मोटा मोटा ही कट कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, प्याज का सारा कच्चापन हटा देंगे। बहुत ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे। जब कच्चापन निकल जाएगा इस पॉइंट पे हम बेसन इसमें ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, बेसन ऐड करेंगे हम इसमें। काजू नहीं ऐड करेंगे, ना कोई हम इसमें मलाई ऐड करेंगे, ना कोई खरबूजे के बीज ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई भी कांटे ना हो बेसन की। बेसन को अच्छे से भून लेना है। तो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने पकाया है इसको, तभी टमाटर ऐड करिएगा जब बेसन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और भून जाए। टमाटर इसमें 4 मीडियम साइज के हैं, मोटा मोटा कट कर लिया है। साथ ही इसमें टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए हमने नमक ऐड किया है। नमक स्वाद अनुसार ऐड करिएगा। और ये जो धनिया की डंठल होती है वो ऐड करी है। इसको ढक देंगे, 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो लौकी का पानी था उसको ही थोड़ा सा ऐड करेंगे। सारे मसालों का इसमें फ्लेवर आ जाए इसके लिए भी 2 मिनट के लिए हम इसको सिम पे ढक्कन लगा के रखेंगे। देखिए ऑयल अलग हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको खड़े मसाले हटाने हो तो आप इस पॉइंट पे हटा सकते हैं, अगर आपको उसके रेशे अच्छे ना लगते हो। पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब कढ़ाई लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं, साथ ही हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं। इसको बीच में से लंबे में कट कर लिया। और साथ ही अब हम सूखे मसाले ऐड कर रहे हैं, धनिया ऐड कर रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, और किचन किंग मसाला ऐड कर रहे हैं, और थोड़ा सा कलर के लिए बहुत थोड़ी सी हल्दी। लाल मिर्च आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची लीजिएगा ताकि ग्रेवी का अच्छा कलर आए। स्पाइसीनेस के लिए हमने इसमें हरी मिर्च ऐड करी हुई है, नहीं तो बहुत तीखी हो जाएगी। और जो लौकी का ही पानी था उसी से ही हमने ग्राइंडर में से सारे बची हुई ग्रेवी निकाली है। तो जो लौकी का पानी बचा है वो हमने अपनी सारे कोफ्ते की रेसिपी में ही यूज़ किया, कोई भी वेस्टेज नहीं करी है। अब हम इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे सिम पे ताकि सब अच्छे से पक जाए, अब फ्लेवर सारे आ जाएं। फिर ढक्कन लगाएंगे, 1 मिनट और पकाएंगे। देखिए कलर कितना अच्छा होता जा रहा है ग्रेवी का, आपस में सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमारी ग्रेवी पक कर रेडी है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर रहे हैं। मैं अभी ही सर्व करूँगी इसलिए मैं अभी कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। आपने जब सर्व करनी हो अपनी सब्ज़ी तब आप ग्रेवी में कोफ्ते ऐड करिएगा, मतलब 15 मिनट पहले आप ऐड करिए और उसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए ग्रेवी के अंदर ही, तब आप सर्व करिएगा। पहले से आप उसको डाल के रखे हो, काफ़ी देर बाद अगर उसको सर्व करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा इसमें। अब अच्छे से इसको ग्रेवी में मिक्स करने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करें और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स ध्यान से करिएगा, कोफ्ते टूटे नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी ग्रेवी अभी देखिए हल्की लग रही है, थोड़ा सा पानी है उसमें ताकि कोफ्ते अब्सॉर्ब करें उसको। अब हम इसको 3 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे सिम पे ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में आ जाएं और कोफ्ते के अंदर कोई भी अंदर कच्चापन होगा तो वो पक जाए। गार्निश करने के लिए थोड़ा सा धनिया ऐड किया है, ना तो इसमें कोई मलाई ऐड करी, ना तो कोई काजू ऐड किया। फिर भी देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी है, बिल्कुल पानी पानी नहीं है। कितनी गाढ़ी ग्रेवी और कितने बढ़िया कोफ्ते हैं, मुंह में घुल जाने वाले लौकी के कोफ्ते। लीजिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए बताइए आपको ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको अपना कोई फीडबैक देना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए ताकि ये यम्मी रेसिपी वो भी बना के इंजॉय कर सकें। और मेरे चैनल कुक विद हनी को सब्सक्राइब करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।